गुड मॉर्निंग में विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग एट्थ के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या आठ जिसका नाम है मिसाइल मैन डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम भारत में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे जिन्होंने हमें ढेर सारी प्रेरणा देकर के हमारी समाज को विकसित करने का राह दिखा करके चले गए रामेश्वरम के साधारण अल्प शिक्षित परिवार में सन उन्नीस में जन्मे प्रोफेसर अब्दुल पाकिर जैन अब्दुल कलाम वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित किया उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा में एक ऐसा मिसाइल काम किया मिसाइल मिसाल काम किया जिसके कारण हर उस वर्ग के बच्चों में उत्साह उत्पन्न हुआ जो साधनहीन है जिनके पास में उस स्तर तक जाने के लिए कोई सोर्स नहीं है लेकिन मन की शक्ति से अपने अंदर में एक ऐसा उत्साह महसूस करते हैं इनको देख करके जो उन्हें उनके मंजिल के तरफ ले जाने के लिए कामयाब करने के लिए प्रोत्साहन देता है अब्दुल पाकिर जनूला अब्दुल पाकिर जन उलाब्दीन का अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा दीक्षा के क्रम में बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना किया जिन्हें देख करके के लोग निराश हो जाते कहते यह हमें अवरोध के रूप में रोक रहा है ये हमारे लिए संभव नहीं है लेकिन इसने एक ऐसा उदाहरण एक ऐसा सूत्र उन बच्चों के लिए ईजाद करके छोड़ दिया जो बच्चे साधन सम्पन्न नहीं हैं जिसमें सिर्फ मेधा शक्ति है और अपने मेधा शक्ति को साधन का गुलाम नहीं बनने देता और विभिन्न तरह से संघर्ष करते हुए जीवन के उस ऊंचाइयों बुलंदियों पर पहुंच जाता है जहां पहुंचना उनके लिए सा लगता था अब्दुलपीर जैन उलाब्दीन अबुल कलाम ने यह बात हमारे युवाओं के आँखों में देखा भारत को विकसित बनाने में उन्होंने कहा कि युवा वर्ग ही इस देश को विकसित बना सकते हैं मानव संसाधन जितना होता है वह देश उतने ही विकास की ओर अग्रसर होते हैं इन्होंने किसी भी समाज या देश के विकास में मानव संसाधन विभाग को सबसे महत्वपूर्ण माना उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेस जितना डेवलप होगा हम उतने ही विकसित बनेंगे और कहलाएंगे अपने इसी सोच के कारण उनका एक स्टेटमेंट है कि युवाओं के तीक्ष्ण मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संसाधन है और उनके पास में अधिकार है कि वह इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर प्राप्त कर सकते हैं युवाओं के लिए हमेशा सोचने वाले विद्यालयों में जाकर के बच्चों से साक्षात्कार करने वाले बच्चों, बच्चों की समस्या का समाधान करने वाले ये हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहन दिया और कहा कि आप विकसित हों देश स्वतः विकसित हो जाएगा और इसी विकास के क्रम में इन्होंने अपना साक्षात्कार इस पाठ के माध्यम से बच्चों के साथ दिया है जिनमें बच्चों ने इनसे विभिन्न तरह के अपनी दिमाग में चलने वाली प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर अपने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए काबिल हुए हैं ये साक्षात्कार अबुल अब ए पी जे अब्दुल कलाम ने बच्चों की समस्याओं को विद्यार्थियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए दिया है विज्ञान के विषय में इन्होंने ऐसा कहा कि विज्ञान ही हमारे विकास का सबसे बड़ा साधन है विज्ञान के द्वारा ही समाज देश राष्ट्र दुनिया विकसित हो सकता है हमारे अंदर में जितने भी आत्म अंधविश्वास है उस अंधविश्वासों का इन्होंने हमेशा खंडन किया हम बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासों के कारण अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होने से चूक जाते हैं उन्हीं चूक को तोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि चिंतन पूंजी है उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है हम जब सोचते हैं अपने दिमाग से किसी समस्या के ऊपर में तो हमारा दिमाग हमें वह धन देता है वह संपत्तियां देता है जिससे हम नहीं हमारी समाज भी लाभान्वित होते हैं जब हम उस चिंतन को कार्य रूप देकर के परिश्रम करते हैं तो परिश्रम करने पर वह हमें समाधान ढूंढ करके देता है और समाधान के कारण ही आज संसार दिन भर दिन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर होकर के सबको विकास की ओर लेकर के जा रहा है सारे अंधविश्वासों का खंडन करते हुए हमारे ये मिसाइल मैन ने हमें इस पाठ में अपने उत्तर के द्वारा यह समझाया है कि संसार में सत्य के तरफ बढ़ो सत्य विज्ञान है और विज्ञान में उस सत्य को प्रूब्ड करने की क्षमता है उसमें से तथ्य निकालो तथ्य निकाल करके समाज को साधन संपन्न बनाओ और समाज जब साधन संपन्न बनेगा तो विकास की गति स्वतः ही तेज हो जाएगी और हम विकास राष्ट्र राष्ट राष्ट की श्रेणी में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जीने वाले यह हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के युवाओं को अक्सर प्रेरित करते रहे और प्रेरणा से बहुत सारे उपलब्धियां दी अपनी योग्यता क्षमता से देश को सामरिक रूप से सबल बनाने वाले यह वैज्ञानिक हमारे बच्चे को बच्चों के दिमाग को भी बढ़ाया और उन्हें चिंतन के लिए बाध्य किया तो आज इस पाठ का सारांश देकर के हम इस वीडियो को यही रोकते हैं अगले वीडियो में हम इनके साक्षात्कार को पढ़ेंगे धन्यवाद